नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राजगुरु जी यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम देखते हैं IPMS 3.0 जो कि अब एंड्रॉइड और प्ले स्टोर पर भी अवेलेबल है, उसके बारे में। यहाँ पर आप देख सकते हैं IPMS 3.0 गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान का हुआ है। साथ में ही यहाँ पर आप देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के जो ऑफिशियल प्ले स्टोर लिंक हैं वो भी शो हो जाएंगे। तो आप यहाँ से इस तरह से कुछ होगा, इसका इंटरफेस इस तरह से ऐप दिखेगा। यहाँ पर आपकी सैलरी वगैरह सब कुछ दिखेगी। आइए देखते हैं IPMS 3.0 डाउनलोड कैसे करते हैं, और साथ में हम देखेंगे IPMS 3.0 पर सैलरी स्लिप और GA55 को कैसे डाउनलोड करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आप प्ले स्टोर में जाएंगे, आपके मोबाइल के प्ले स्टोर में डाउनलोड करेंगे, टाइप करेंगे IPMS 3.0। तो यहाँ पर सबसे पहले जो ऐप है वही है IPMS 3.0, और इसका जो इस तरह से बना हुआ है ये इंस्टॉल करेंगे। तो आप देख सकते हैं IPMS 3.0 इंस्टॉल हो रहा है। ओपन करेंगे, गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर टाइप करेंगे। मोबाइल नंबर टाइप करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। आपका IPMS 3.0 पर जो मोबाइल रजिस्टर्ड है उसी को टाइप करना है। तो रजिस्टर्ड मोबाइल पर OTP आएगी, मैं इसे वेरीफाई कर देता हूँ। यहाँ पर कह रहा है दिस मोबाइल डज नॉट एग्जिस्ट इन IPMS 3.0। ठीक है, तो मेरा ये वाला मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है, मैं दूसरा वाला देखता हूँ। मेरा मोबाइल नंबर जो IPMS 3.0 पर रजिस्टर्ड था उस पर OTP आ चुका है और मैंने OTP फीड किया। इसके बाद ये आपको यूनिक MPIN नंबर डालने के लिए कह रहा है, तो आपको याद रहे ऐसा MPIN डाल दें। यहाँ पर सबमिट बटन पर क्लिक करें, थोड़ा सा वेट करेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं सबमिट हो चुका है IPMS 3.0। यहाँ पर सबमिट होने के बाद इस तरह का कुछ आ रहा है। सबसे ऊपर आपकी एम्प्लॉय ID शो हो रही है। नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे, आप पे स्लिप डाउनलोड कर सकते हो। आपका ग्रोस पे या जो भी है वो यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर आप GA55 देख सकते हो, सैलरी की डिटेल चेक कर सकते हो। इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर उस साल के सैलरी की डिटेल भी शो हो जाएगी। ठीक है, फिलहाल डाउनलोड नहीं हो रहा है, होम बटन पर क्लिक करते हैं। आपके यहाँ पर सैलरी का डिडक्शन वगैरह कितना है सारा यहाँ पर होम पर ही शो हो जाएगा। बहुत अच्छा ऐप है। यहाँ से आप 3 बटन पर क्लिक करेंगे तो चेक कर सकेंगे आप आपकी पेमेंट इन्फॉर्मेशन, अर्निंग एंड डिडक्शन, फैमिली की डिटेल और उससे संबंधित डाउनलोड भी कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम पेमेंट एंड इन्फॉर्मेशन को चेक करते हैं। तो यहाँ पर आपकी सारी डिटेल शो हो जाएगी, आपका बैंक अकाउंट, आपका पे स्केल, आपका बेसिक पे, अर्निंग्स एंड डिडक्शंस, इसमें आपकी कितनी कटौतियाँ हैं सारी उसको शो हो जाएंगी, आप देख सकते हैं। इसके बाद अगला है फैमिली डिटेल, इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पारिवारिक इन्फॉर्मेशन यहाँ शो हो जाएगी। यहाँ पर है डाउनलोड, ठीक है। अगर आप पे स्लिप डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ से इस पर जाएंगे और डाउनलोड बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ जून आ रहा है तो जुलाई चल रहा है, मैं जून का डाउनलोड करना आप चाहे तो यहाँ चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं जून का ही यहाँ पर मैं मई का कर लेता हूँ, ठीक है, और डन कर देता हूँ। डन करने के बाद यहाँ पर 24/25 आ रहा है, पास में ही आप देख सकते हैं पे स्लिप के पास में ये डाउनलोड बटन है, तो इस पर क्लिक करेंगे और अलाउ कर देंगे तो मेरा पे स्लिप यहाँ पर डाउनलोड हो चुका है, ठीक है। अगर GA55 डाउनलोड करना है तो जस्ट उसके नीचे GA55 24/25 दे रखा है, तो ये डाउनलोड बटन पर क्लिक करेंगे तो डाउनलोड हो चुका है। तो इस तरह से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं GA55 को और उसको। तो यहाँ पर 3 लाइन पे जाएंगे और डाउनलोड बटन पर एक क्लिक में आप डाउनलोड कर सकोगे आप अपना GA55 और पे स्लिप। तो ये था IPMS 3.0। और भी इसमें क्या क्या है हम देख सकते हैं, यहाँ पे सैलरी की डिटेल, पे एंड बैंक डिटेल, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो उसकी डिटेल आ जाएगी। इसमें सेटिंग्स में जाते हैं, अभी कुछ आया नहीं है तो इसमें और भी अपडेट्स होंगे जल्दी ही। इसके बाद आप जब इस प्रोफाइल बटन वाले बटन पर क्लिक करोगे तो आपकी डिटेल यहाँ पर भी शो हो जाएगी। तो फिलहाल 3.0 यहाँ पर इस तरह से चल रहा है। दोस्तों जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अगर ये वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए राजगुरु जी साइनिंग आउट। नमस्ते।